हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्किल नॉलेज में। दोस्तों, क्या आप भी अपने ऑफिस में एक एक्सेल मास्टर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल पर एक ऐसे कोड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी जानकारी होने के बाद आप अपने ऑफिस में एक बेस्ट एक्सेल ऑपरेटर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा कोड है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट, आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे कोड के बारे में बताएंगे कि एक्सेल पर जब भी आप कुछ टाइप करेंगे तो कॉलम के विड्थ ऑटोमेटिक कम या ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये कोड करेक्टर के अकॉर्डिंग कॉलम को अपने आप एडजस्ट कर लेता है। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल के लिए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी डेस्कटॉप पर एक एक्सेल की फाइल है जो आपके सामने है। हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम पहली वाली सेल में अपना नाम गुफरान टाइपिस्ट टाइप कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये नाम कॉलम के बाहर निकल गया और कॉलम ने इसको एडजस्ट भी नहीं किया। तो दोस्तों, एडजस्ट कैसे होगा? तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक कोड का यूज़ करना है। ये हमारी शीट वन है। तो दोस्तों, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक व्यू कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको व्यू कोड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो जनरल का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर टाइप करना है CELLS, मतलब सेल्स, उसके बाद डॉट लगाना है, फिर ENTIRE, इंटायर कॉलम। तो आप देख सकते हैं कि इंटायर कॉलम ऑटो सजेस्ट कर रहा है, इसीलिए आप इस पर क्लिक करिए और टैब को प्रेस कर दीजिए। अब आपको डॉट लगाना है। इसके बाद दोस्तों, ऑटो फिट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह भी ऑटो सजेस्ट कर रहा है। अब आपको ऑटो फिट पर क्लिक करके टैब को दबा देना है। ओके, अब यहाँ पर हमारा कोड लग चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ 3 वर्ड का कोड है। अगर आप याद नहीं कर सकते तो नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसको क्लोज कर देते हैं और अपनी एक्सेल की फाइल पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी एक्सेल शीट पर आ चुके हैं। अब देखिए, जैसे हम किसी भी कॉलम में 1 लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेल की विड्थ है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रही है। अब जैसे हम किसी दूसरे कॉलम में कंप्यूटर स्किल नॉलेज लिखते हैं, तो आप देखिए, हमने कंप्यूटर स्किल नॉलेज टाइप करके इंटर को दबा दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेल की विड्थ थी, ये करेक्टर के अकॉर्डिंग अपने आप बढ़ चुकी है। अब जैसे हम कुछ और लिख के दिखा देते हैं, तो देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम। अब इतना लिखने के बाद इंटर को दबा देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सेल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रही है करेक्टर के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि ये हमने जो कोड लगाया है वो परमानेंट वर्क करे, मतलब ये कोड हमेशा सेव रहे, जब भी आप इस फाइल को ओपन करें तो ये कोड लगा रहे, तो इसके लिए आपको इस फाइल को माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक के फॉर्मेट में सेव करना है। लेकिन माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक के फॉर्मेट में कैसे करें? तो देखिए, आपको ऑफिस बटन पर क्लिक कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको सेव एस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं कि ये माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी फाइल का कोई भी नाम दे देना है। जैसे हमने इस फाइल को स्किल नॉलेज का नाम दिया, मतलब स्किल नॉलेज के नाम से हमने इस फाइल को यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, एक्सेल की फाइल को माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक के फॉर्मेट में डायरेक्ट सेव करने के लिए आपको कीबोर्ड में आल्ट प्लस एफ प्लस एफ प्लस एम यानी कि आल्ट को दबा के छोड़ दीजिए और जस्ट एफ एफ और एम को दबा दीजिए तो आपके सामने सेव एस का विंडो ओपन हो जाएगा और आप अपनी इस फाइल को माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। यहाँ तक इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये हमारी फाइल डेस्कटॉप पर माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक के फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। अब हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। चलिए अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फाइल है। अब हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी अगर आप इस पर कुछ टाइप करेंगे तो कोड काम नहीं करेगा जब तक आप इस फाइल को इनेबल कंटेंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी वार्निंग है और माइक्रोज हैव बीन डिसेबल दिख रहा है और यहाँ पर ऑप्शन भी दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इनेबल दिस कंटेंट पर क्लिक कर देना है और फिर आपको सिंपली ओके कर देना है जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों अब हमारा कोड इनेबल हो चुका है। अब आप कुछ भी टाइप करिए चाहे वो छोटा वर्ड हो या बड़ा। जैसे हमको टू लिखना है तो आप देख सकते हैं हमने टू लिखा तो सेल की विड्थ करेक्टर के हिसाब से ऑटोमेटिक कम हो गई। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कोड आपको बनाएगा ऑफिस में स्मार्ट। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आप भी देख सकें और आप भी एक्सेल के मास्टर हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।